बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। श्री राम कथा महायज्ञ के आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण। आज निकलेगी भव्य कलश यात्रा। तेघरा प्रखंड अंतर्गत गौरा एक अवस्थित श्री राम जानकी बड़ी ठाकुरबाड़ी के प्रांगण में 24 नवंबर से आयोजित होने वाले 9 दिवसीय श्री राम महायज्ञ के धार्मिक आयोजन को लेकर मंगलवार को महायज्ञ संचालन समिति के द्वारा राम जानकी ठाकुरबाड़ी में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन के अवसर पर अयोध्या हनुमानगढ़ी से पधारे महंत कल्याण जी महाराज, राम जानकी ठाकुरबाड़ी के महंत संदीप दास और विद्वान आचार्य गणों की उपस्थिति में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए महंत संदीप दास ने बताया कि राम जानकी ठाकुरबाड़ी समिति एवं ग्रामीण के सहयोग से 24 नवंबर सुबह 8 बजे महायज्ञ का शुभारंभ होगा। अपहरण के 2 बजे से संगीत में श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा होगी, जिसकी संपूर्ण तैयारी पूर्ण कर ली गई है। 23 नवंबर बुधवार को सुबह 8 बजे गाजे बाजे के साथ 551 कुमारी कन्याओं का भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो विभिन्न मार्गों से भ्रमण करते हुए शोभा यात्रा का मंडप प्रवेश होगा। उन्होंने बताया कि 9 दिवसीय आयोजित श्री राम महायज्ञ में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा एवं बड़े पैमाने पर संत समागम में बनारसी बनारस वृंदावन एवं अयोध्या में संत पधारेंगे। हनुमानगढ़ी से पधारे महंत कल्याण जी महाराज ने बताया कि वृंदावन से कथा वाचिका देवी नेहा सरस्वती जी के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता की अमृत वर्षा होगी। उन्होंने बताया कि 9 दिवसीय महायज्ञ में प्रत्येक दिन दोपहर 3 बजे से संध्या 7 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का रसपान होगा, उसके बाद प्रसाद वितरण के उपरांत संत समागम होगा। उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर को संतों का महा भंडारा का आयोजन होगा। संवाददाता सम्मेलन के उपरांत महायज्ञ को लेकर ग्रामीण में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। मौके पर अमित कुमार मिश्रा, हरिशंकर राय, सत्यम कुमार के अलावे अन्य लोग मौजूद थे। तेघरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। श्री महंत रमेश दास जी महाराज के उत्तराधिकारी हैं हम। संदीप दास जी महाराज हमारे बड़े गुरु भाई हैं। मेरा नाम महंत कल्याण दास है। अयोध्या हनुमानगढ़ी में हम लोग निवास करते हैं। हमारे इस श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी में यज्ञोपितस्य जनताय कल्पते सद्भाव जन कल्याणार्थ श्री राम महायज्ञ एवं भागवत कथा का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है, जो कि 9 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसका कल 23/11/2022 को कलश शोभा यात्रा से प्रारंभ होकर 1/12/2022 को संतों का महाभंडारा होगा। 24/11/2022 को यज्ञ का प्रारंभ सुबह प्रातः 8 बजे से 2 बजे तक चलेगा। उसके तत्पश्चात वृंदावन से नेहा सारस्वत जी का भागवत संगीतमय कथा का रसास्वादन पान सभी भक्त लोग करेंगे।